हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज मैं आप लोगों को श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे कहते हैं श्रोडिंजर तरंग समीकरण। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बीएससी फाइनल ईयर तक ये आप लोगों के काम आएगा, क्योंकि बीएससी फाइनल ईयर में भी आप लोगों को श्रोडिंजर वेव इक्वेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बीएससी से रिलेटेड और भी वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज जो है वो चेक कर सकते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट से चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन समझने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी चीजें इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना बहुत जरूरी है, उसके क्वालिटी एंड कैरेक्टर के बारे में, तभी हम इस इक्वेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जो अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, जैसे कि बोर, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग, इन्होंने अपने अपने टाइम पे एटम एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में अपना अपना जो है वो थ्योरी प्रस्तुत किया था। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में इसे देख लेते हैं। ये जो बोर नामक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया था, लेकिन इस बोर के एटॉमिक मॉडल में डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग ने कुछ कमी पाया और उन्होंने फिर से इसके ऊपर अपना जो है वो थ्योरी प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो क्या कहता है। जो एटम होते हैं, मीन्स जो परमाणु होते हैं, उसके जो है वो सेंटर पॉइंट, मतलब बीच में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये जो आप ऑर्बिट देख रहे हो, कक्षा देख रहे हो, उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाते रहता है। तो ऐसा बोर के एटॉमिक मॉडल में बताया गया है, ठीक है। लेकिन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, मतलब डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने जब अपना परिकल्पना प्रस्तुत किया, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, तो उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पार्टिकल के समान तो बिहेव करते हैं, साथ ही एक तरंग के समान भी व्यवहार करते हैं। मतलब इनमें वेव क्वालिटी होती है, वो एक पार्टिकल के समान भी व्यवहार करते हैं और एक तरंग के समान भी व्यवहार करते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है, अगर इलेक्ट्रॉन एक तरंग के भांति व्यवहार करता है तो क्या इसका एक निश्चित पोजिशन होगा? मतलब क्या एक इसके हम करेक्ट पोजीशन के बारे में हम कभी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर इस ऑर्बिटल में या फिर इस कक्षा में इसी जगह पे हो, मतलब होगा? तो इसके ऊपर मतलब हाइजेनबर्ग ने फिर से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। उन्होंने यह बताया था कि अगर बोर के परमाणु मॉडल में, उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में मौजूद है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, मतलब उनमें वेव क्वालिटी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करते हैं तो उसके करेक्ट पोजीशन के बारे में, मतलब उसकी निश्चित स्थिति के बारे में बता पाना संभव नहीं है। तो उन्होंने यह बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं, मतलब संभावना के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि थ्री डायमेंशनल स्पेस। मतलब उन्होंने बताया कि जो थ्री डायमेंशनल स्पेस होते हैं, मतलब त्रिविम जो क्षेत्र होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता हो सकती है, संभावना हो सकती है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर किसी कक्षा में मौजूद है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को बताने के लिए श्रोडिंजर ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। जो पहले के साइंटिस्ट थे वे समझते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, बट इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक अच्छा इक्वेशन जो है वो नहीं लाया गया था। लेकिन श्रोडिंजर ने इस पर, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में, उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं नोट्स के जरिए कि एक्चुअल में श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता क्या है। तो हम नोट्स की तरफ आते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा, देन इसका डेफिनेशन लिखना होगा। इतना लिखने के बाद ही आप इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जो मैंने आप लोगों को अभी बताया उसे ही आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मैंने कहा था। डी ब्रॉगली की परिकल्पना, मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति, तथा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के आधार पर एटम का एक नया मॉडल सन 1920 के आसपास जो है वो प्रस्तावित किया गया, जिसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। मतलब उन्होंने, मैंने बताया ना, उन्होंने एक नया थ्योरी जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है।
इसमें इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा में घूमता हुआ ना मानकर किसी विशेष स्थान में इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या जिसे हम कहते हैं संभावना या प्रायिकता पर बल दिया गया। मतलब बोर ने कहा था कि वो किसी कक्षा में पाए जाते हैं, किसी ऑर्बिट में पाए जाते हैं, लेकिन इन्होंने यह बताया कि ये किसी ऑर्बिट या कक्षा में नहीं पाया जाता, कि हो सकता है इसकी विशेष स्थान के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पर जो है वो बल दिया। ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। देन इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। डेफिनेशन में क्या कहा गया, परमाणु में मतलब एटम में नाभिक के चारों ओर मतलब एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का परिकलन करने के लिए श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों मतलब वेव क्वालिटी को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंजर की तरंग समीकरण या श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। फिर से बता रही हूं मैं, जो एटम्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को परिकलन करने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण से रिलेटेड एक इक्वेशन दिया, एक समीकरण दिया, जिसे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन, देन इसका डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं कि आखिर वो इक्वेशन है क्या। तो ये है इक्वेशन डेल टू साई, इसे हम साई कहते हैं, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल जीरो। तो चलिए हम इसका एक एक का मीनिंग देखते हैं कि आखिर ये क्या है। जहां पर ये जो एक्स वाई और जेड है वो निर्देशांक है, मतलब स्पेस कोऑर्डिनेटर्स है। ठीक है, जो अक्ष आप कह सकते हो, या ये जो है निर्देशांक है मतलब कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन के तरंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो एम है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच है वो प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक कांस्टेंट। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है, मीन्स टोटल एनर्जी है। वी जो है वो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो साई है, इलेक्ट्रॉन वेव बिहेवियर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ वेव फंक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, वेव बिहेवियर है, उसे हम डिस्क्राइब करने के लिए हम एक तरंग फलन का उपयोग करते हैं, जिसे हम साई के द्वारा जो है वो व्यक्त करते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि श्रोडिंजर समीकरण की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। सबसे पहले हम एनर्जी देखते हैं। एनर्जी को होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक ऊर्जा है उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे एम होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वी होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे हम वी से व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर प्लस वी, इसे हमने समीकरण एक माना है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी है मीन्स जो गतिज ऊर्जा है उसको निम्न प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, मतलब ये जो गतिज ऊर्जा है वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर उसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल हाफ एम इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन एम भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एम एम को अगर काटे तो मतलब तो वन ही आएगा, है ना। तो इसे हम लोगों ने आगे इसकी जो डेरिवेशन के लिए हम लोगों ने इसे ऐसे लिखा है एम इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन एम। तो अगर इसे हम इक्वल करें तो क्या होगा, वन अपॉन टू एम वी होल स्क्वायर अपॉन एम। ठीक, तो फाइनली हमें क्या मिला, वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन टू एम, टू और एम ये जो है एक साथ हो जाएगा तो टू एम, समीकरण दो। ठीक, हमें समीकरण एक वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर प्लस वी समीकरण एक एंड वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन टू एम समीकरण दो हमें जो है वो प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, एम वी के मान को मतलब ये जो वैल्यू है एम वी का जो मान है उसके वैल्यू को डी ब्रोगली समीकरण, हमें पता है डी ब्रोगली समीकरण में एम वी इक्वल क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा होता है, से प्रतिस्थापन करने पर निम्न समीकरण प्राप्त होगा, मतलब एम वी की जगह अगर हम एच अपॉन लैम्डा रखें तो वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर तो वही रहेगा, एम वी की जगह हम लोगों ने एच अपॉन लैम्डा रखा है, ठीक, अपॉन टू एम,
तो ये जो होल स्क्वायर है मैंने यहाँ तक कर दिया था, जबकि एच अपॉन लेमडा में ही आएगा स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये तो ऐसा ही रहेगा, एच स्क्वायर लेमडा जो है वो नीचे आ जाएगा, तो टू लेमडा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एच अपॉन लेमडा होल स्क्वायर में था, तो टू लेमडा स्क्वायर एम, समीकरण तीन हुआ ये। समीकरण तीन का मान एक में रखने पर, हमारा समीकरण एक कौन सा था, ये वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर प्लस वी, तो समीकरण एक जो तीन का मान है, मतलब इसका जो वैल्यू ये हमें प्राप्त हुआ समीकरण एक में अगर रखें तो इक्वल होगा एच स्क्वायर अपॉन टू लेमडा स्क्वायर एम प्लस वी। तो अगर हम v को इस तरफ लाते हैं तो e माइनस वी इक्वल एच स्क्वायर अपॉन टू लेमडा स्क्वायर एम होगा, जिससे हमें समीकरण चार जो है वो प्राप्त हो जाएगा। देन हम आगे देखते हैं, लेमडा स्क्वायर को अगर हम इस तरफ ले आए तो होगा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन टू एम, ठीक है, टू एम, और ये जो e माइनस वी है उससे भी हम इस तरफ ले आते हैं e माइनस वी, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण पांच। फिर आगे देखते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन जो तरंग गति से घूमता है इसके लिए x दिशा में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से जो है वो लिखा जा सकता है। मतलब मैंने आप लोगों को जो x y z कोऑर्डिनेट्स बताए थे उसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल x के लिए बात करेंगे, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे केवल x के लिए हो रहा है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल जीरो, समीकरण हो गया हमारा छह। अब ये जो लैम्डा स्क्वायर का मान हमारे पास जो वैल्यू हमें मिला है, अगर उस वैल्यू को हम समीकरण छह में रखें, मतलब इस पर अगर हम इसके वैल्यू को रखें तो क्या होगा, समीकरण पांच से लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू समीकरण छह में रखने पर, तो हमारे पास होगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर साई, तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू अगर हम रखेंगे 2m, तो ये जो 2m है वो ऊपर चला जाएगा, 2m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इक्वल जीरो, देन होगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर इंटू 2m अपॉन एच स्क्वायर, ये जो साई है वो इस तरफ आ जाएगा ई माइनस वी साई इक्वल जीरो। समीकरण छह में प्राप्त होता है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही आएगा, प्लस ये जो 4 इंटू 2 है वो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल जीरो, तो ये हमारा हो गया समीकरण छह। तो अब अगर हमें तीनों अक्ष के लिए अगर हमें देखना है एक्स वाई जेड के लिए, तो हमारे पास होगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल जीरो। तो ये हुआ हमारा श्रोडिंजर इक्वेशन, श्रोडिंजर समीकरण। तो अगर डेरिवेशन आता है श्रोडिंजर में तो ये सारा चीज आप लोगों को लिखना जरूरी है। तो आई होप यू गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।